नमस्ते एंड वेलकम टू कैंपस वाला। आई एम साक्षी जैन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एमपी के एमबीबीएस और डेंटल कॉलेजेस के बारे में, उनका कट ऑफ, उनकी फीस और सारी चीजें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, नीट 2021 की स्टेट लेवल काउंसलिंग कई स्टेट में चालू हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी उसकी काउंसलिंग चल रही है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको पता होगा कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ऐसे में कई बच्चे काफी अभी एंशियस फेस में होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा एमबीबीएस में। तो अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो अगर आपके नीट में 550 मार्क्स हैं, 10-15 मार्क्स का आप मार्जिन लेके चल सकते हैं ऊपर या नीचे, तो चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो इतने मार्क्स पे तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बट अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 550 मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपके मार्क्स इससे कम है या 550 के नीचे हैं, तो आपको कई प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं एमबीबीएस के लिए, क्योंकि रिसेंटली 2-3 सालों में एमपी में कई नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हैं और कई नए प्राइवेट कॉलेजेस भी खुले हैं, जिसके कारण कट ऑफ जो है वो नीचे गया है थोड़ा सा, क्योंकि सीट्स बढ़ गई हैं। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो कई कॉलेजेस जो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें कुछ एग्जांपल है जीएमसी शिवपुरी, जीएमसी विदिशा, जीएमसी रतलाम, जीएमसी खंडवा, जीएमसी दतिया, जैसे नए कॉलेजेस खुले हैं। तो हम बात कर रहे थे प्राइवेट कॉलेजेस की, तो अगर आपके 550 से मार्क्स कम है तो आपको कई प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट्स मिल सकती हैं। कुछ अगर मैं एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस का एग्जांपल दूं तो वो हैं चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल, एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल, पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल, फिर एमआईएमएस भोपाल, फिर एक इंदौर में कॉलेज है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, अमलतास मेडिकल कॉलेज, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन भी है एक, जिसमें आपको एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां से आप एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें फीस की प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप फीस को देखें तो 50-60 लाख के ब्रैकेट में आपको पूरे कोर्स की फीस पड़ सकती है। कम भी हो सकता है, बट आपकी फीस स्टार्ट होगी अराउंड 30-40 लाख से और ये 60-70 लाख तक जा सकती है, पूरे 5.5 साल की फीस। अब हम बात करते हैं डेंटल की, तो डेंटल में अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो कर फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपका नीट क्वालिफाइड है तो आपको डेंटल के कॉलेजेस में सीट्स मिल सकती हैं। कुछ डेंटल कॉलेजेस के मैं आपको एग्जांपल दूंगी, वो है औरबिंदो कॉलेज इंदौर, पीपल्स कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड पीपल्स डेंटल कॉलेज भोपाल, एल एन ऋषिराज कॉलेज, मानसरोवर कॉलेज भोपाल। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल थे डेंटल कॉलेजेस के। अगर हम फीस की बात करें इन जनरल, तो फीस आपको पड़ेगी ट्यूशन फीस और आपका हॉस्टल फीस पूरे 5.5 साल की 8-12 लाख के बजट में, बट स्टिल कई कॉलेजेस हैं ऐसे जो आपको 6-7 लाख के बजट में ये पूरा कोर्स ऑफर कर देंगे। इन केस अगर आपको जानना है कि आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है एमबीबीएस के लिए, या फिर आपको कौन सा कॉलेज अभी मिल रहा है, आपको कितनी फीस पड़ेगी उसकी, आपके 10-12 के मार्क्स कितने थे, तो उस बेसिस पे भी आपको जो भी कॉलेज मिल रहा होगा उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर से आप कनेक्ट कीजिए, वो आपको पूरे प्रोसीजर में गाइड कर देंगे। आप बस उनसे अपना स्कोर शेयर कीजिएगा नीट का और वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या किस कॉलेज में चांस है। सेम डेंटल की बात करें तो डेंटल के लिए से रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरी हो या आपको जानना हो कि कौन सा कॉलेज में अप्लाई करें, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, ये सब जानने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीट से रिलेटेड जो दूसरे कोर्स भी होते हैं, जैसे कि बीएचएमएस हो गया, बीएएमएस हो गया या वेटनरी साइंस हो गया, इससे रिलेटेड भी मैं आपको ये लिए एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें बताऊंगी कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप पार्ट 2 का वेट कीजिए और हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए कैंपस वालों को। थैंक यू।